हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में हैं और काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं जो यहां पर आपको इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं जिनकी भी हथेली पर होती हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ही तहजीब वाले और मिलनसार नेचर के होते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए इनकी फिंगर्स जो हैं वो यहां से बिल्कुल थिकनेस में नजर आ रही हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर की लेंथ है वो काफी अच्छी है। सूर्य फिंगर यहाँ पर शनि फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसके हाफ को भी क्रॉस कर ऊपर पहुंच रही है। और अगर हम कंपेयर करते हैं बृहस्पति फिंगर से तो बृहस्पति फिंगर से ज्यादा लंबाई में इनकी अपोलो फिंगर नजर आ रही है। यह फिंगर इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी एडवेंचरस और रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर काफी अच्छी लेंथ में हो थोड़े एडवेंचरस तो होंगे और साथ ही साथ अपने धन के मामले में भी कई बार रिस्क ले बैठते हैं, यानी कि अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी काफी अधिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऐसी जगहों पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। और अगर देखा जाए इनकी शनि फिंगर को, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को, एक डिसिप्लिन्ड नेचर को। ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। बात करते हैं इनकी गुरु फिंगर की। अब देख सकते हैं बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं इस फिंगर को इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, लेकिन यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सटी हुई फिंगर है इनकी शनि फिंगर के साथ, जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, काफी ज्ञानवान होते हैं ऐसे व्यक्ति और थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की नॉलेज भी ऐसे व्यक्ति के पास जरूर होती है। फैमिली से दूरी कुछ समय के लिए लाइफ में हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो इनका माउंट है बृहस्पति वो थोड़ा सा लो सेट भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल फैमिली की तरफ से अच्छे सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिल पाते हैं। और यहाँ पर इनकी जो सभी फिंगर्स हैं अगर देखा जाए तो काफी अच्छी आपस में सटी हुई हैं। यहाँ से बेस फैलेंजेस से हम फिंगर्स को चेक करते हैं, अगर यह फिंगर्स यहाँ से सटी हुई हों तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में भी लकी होता है और काफी अच्छा धन संचय कर सकता है। और अगर हम बात करें मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मर्करी फिंगर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उससे थोड़ा नीचे रह रही है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस रहने की संभावना रहती है। और अगर मर्करी माउंट भी लो सेट हो तो व्यक्ति की नेचर थोड़ी इंट्रोवर्ट हो सकती है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी शाही स्वभाव के होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है और इवन इस एरिया में भी थोड़ा सा गैप है। यह गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी बनाते हैं और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। आगे देख सकते हैं आप इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी और बृहस्पति माउंट
दोनों ही थोड़े से लो सेट हैं, और अगर इनके सूर्य माउंट को देखा जाए और इनके शनि माउंट को देखा जाए तो यहां से आप देख सकते हैं इस लाइन की बनावट से ये दोनों माउंट हाई सेट हो रहे हैं। बात करते हैं वन बाई वन सभी माउंट्स की। इस माउंट का लो सेट होना और वीक होना व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को वीक करता है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कतें आ सकती हैं। व्यक्ति को शाई टाइप का स्वभाव, और साथ ही साथ अगर मर्करी माउंट वीक हो तो डाइजेशन से संबंधित दिक्कतों का भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को सही समय पर सही शब्द नहीं मिल पाते, इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई दिक्कतें ना हो शायद, लेकिन सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल ना हो पाना ऐसे व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। और आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। सूर्य माउंट को जो स्पेस है वो काफी अच्छी मिल पा रही है, जिस वजह से सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का काफी अच्छा रहता है। और इवन यहाँ पर आप सूर्य रेखा को देखोगे तो ऐसी सूर्य रेखा व्यक्ति को ओल्ड एज में काफी अच्छी रिकॉग्निशन दिलवाती है, क्योंकि यह जो सूर्य रेखा है यह हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है, और हार्ट लाइन के ऊपर का जो एरिया होता है वो 60+ की एज का होता है, और ऐसे व्यक्ति को 60+ की एज से काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलने शुरू हो जाती है। और अगर यह रेखा लंबी हो, कुछ इस तरह से कोई लंबी किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति को जो पहचान है जो रिकॉग्निशन है वो छोटी एज से ही मिलने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर 60+ की एज में अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में रहेगी। और अगर देखा जाए इनके शनि माउंट को, तो शनि माउंट का एरिया आप देख सकते हैं सूर्य माउंट की भांति थोड़ा सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर दो ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। और अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत हल्की नजर आ रही है, कुछ इस तरह की भाग्य रेखा इनके हाथ में, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि लाइफ में काफी मेहनत रही होगी और लाइफ में काफी स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ती है। जब भाग्य रेखा वीक हो या बहुत कम दिखाई पड़ रही हो, डिम हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना पड़ता है। लेकिन शनि माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो इनकम है वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहती है, ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाता है जब इस तरह की खड़ी रेखाएं शनि माउंट के ऊपर मौजूद हों। आगे बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट की। यह जो माउंट है बृहस्पति माउंट है, थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी आना स्वाभाविक है। लेकिन इस माउंट के ऊपर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ से इनकी लाइफ लाइन से निकलकर और उसके साथ साथ एक रेखा और चलती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है, और यह प्रोग्रेस जो है वो निरंतर चलती रहती है। तो यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह और इनको पॉजिटिव रेखाएं माना जाता है, प्रोग्रेस लाइंस इनको नाम दिया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर इनका जो बृहस्पति माउंट है उभरा हुआ है, जिस वजह से स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव है वो होना भी स्वाभाविक रहेगा। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, यह इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह की, जो सीधा बृहस्पति माउंट तक पहुंच पा रही है। यह जो एरिया है बृहस्पति माउंट का है, अगर हार्ट की लाइन बृहस्पति माउंट तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप के होते हैं, और इस रेखा का यहाँ तक पहुंचना व्यक्ति को दिल से स्पिरिचुअल बनाता है। इस लाइन का बृहस्पति माउंट के साथ किसी भी तरह से संबंध बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसी के साथ साथ अगर हार्ट की लाइन से निकलकर कोई ब्रांच इधर मंगल की तरफ बढ़े, जैसे यह जो एरिया रहता है हमारी लाइफ लाइन के नीचे का, इसको हम इनर मार्स कहते हैं, अंदरूनी मंगल कहा जाता है। अगर कोई ब्रांच हार्ट की लाइन से निकलकर अंदरूनी मंगल तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव स्वभाव के भी हो सकते हैं, और हार्ट की लाइन के अंत में चलकर इस तरह का वी सिंबल बनना और भी इस रेखा को प्रोमिनेंट करता है। इस तरह का सिंबल जिनके भी हार्ट की लाइन के अंत में बनता है ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी धीरे धीरे कर कर पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दे या किसी तरह से अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में जो तरक्की है वो रुक जाती है और काफी ज्यादा रुकावटें ऐसे व्यक्ति को
सहन करनी पड़ती हैं। और अगर हम हार्ट की लाइन से हार्ट की हेल्थ की बात करें तो कुछ वीकनेस नजर आ रही है मुझे इस एरिया में, चलकर 60 प्लस की एज में कुछ इस तरह की डाउनवर्ड रेखाएं हैं और यहाँ पर हार्ट की लाइन थोड़ी सी डिम पड़ती नजर आ रही है जो 60s की एज में, इन्हें थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी देने में कैपेबल है। बात करते हैं कि माइंड लाइन की, अब देख सकते हैं माइंड लाइन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से, थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ। माइंड लाइन जब भी इस तरह से डिप लेती है नीचे की तरफ, चंद्र माउंट की तरफ बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्ति की जो इमेजिनेशंस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ओल्ड एज में चलकर बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव ऐसा व्यक्ति हो सकता है। माइंड लाइन से कुछ ब्रांचेस का निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ चलना पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह की ब्रांचेस होने से व्यक्ति का माइंड शार्प रहता है और बिजनेस माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। ओवरऑल माइंड की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी का होना स्वाभाविक है। और अगर अपनी इमेजिनेशंस को किसी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपनी जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की प्रॉब्लम अगर इन्हें फेस होती है तो इन्हें कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक काम करना चाहिए, कुछ ड्राइंग या किसी ना किसी तरह की राइटिंग, कुछ ऐसा काम अगर ऐसा व्यक्ति करे तो इमेजिनेशंस चैनलाइज हो सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है जो लगभग 80 से 85 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हैं। और अगर देखा जाए शुक्र माउंट इनका उभरा हुआ है, यह इनकी लाइफ लाइन आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचती हुई, लगभग 85 तक की एज रहने की संभावना। और यह जो शुक्र माउंट है प्रोमिनेंट है जो इंडिकेट करता है कि हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मिल जाती हैं अगर शुक्र माउंट उभरा हुआ हो। और अगर देखा जाए इनके जो चंद्र माउंट है, यहाँ पर चंद्र माउंट पर कुछ ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत देता है। और खास तौर पर जब भी जो माइंड लाइन है मून माउंट की तरफ बढ़े नीचे की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी या डिप्रेशन की दिक्कत का सामना भी लाइफ में करना पड़ सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।